गाइस गुड मॉर्निंग। एक और नई वीडियो में मैं गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस अभी मैं हूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। आप हमारे पीछे स्टेशन देख सकते हैं क्योंकि आज गाइस मामू को जाना है तो इसकी वजह से हम लोग आए हैं। और गाइस मैं आया हूं सिर्फ ड्रॉप करके निकल जाऊँगा। 8:25 की ट्रेन है और वो भी लखनऊ वाली ट्रेन है। तो चलिए मैं प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया और चलते हैं अंदर गाइस। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। 8:25 की ट्रेन पकड़ा दूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस घर जाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हमने अभी बिठा दिया है मामू को, अब वो निकलेंगे और हम निकल रहे हैं गाइस अपने घर पे। और यहाँ से हमें लगेगा लगभग 1 घंटा घर पहुँचने, आधे घंटा ट्रेन से और आधे घंटे से ज़्यादा जो रिक्शा और पैदल जोड़ लो वो सब लेके आधे घंटा हो जाएगा। तो अभी 8:20 हो रहा है, 5 मिनट में पुष्पक की जो ट्रेन है लखनऊ के लिए वो निकल जाएगी। फिर लखनऊ से गाइस वो बस से जाएंगे अभी उन्हें। तो चलिए गाइस अभी निकलता हूँ मैं घर पे, उसके बाद आपसे आगे बातें करेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the sky. तो गाइस मुझे चलते चलते वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने में 5 मिनट से ज़्यादा लग गया और ट्रेन छूट गई है। थोड़ी सी लेट है क्योंकि 8:30 से ऊपर हो गए हैं और देख सकते हैं आप हमारे पीछे। और अभी हमारी ट्रेन, मामू की ट्रेन निकल रही है, हमारी नहीं है। हमारी तो कम से कम 4-5 दिन बाद होगी, 3 के बाद ही। तो चलिए गाइज अब सीधा घर निकलते हैं, उसके बाद मैं आपसे घर पर मुलाकात करता हूँ, ठीक है? क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे थोड़ा सा फ्रेंड से मिलना है, उससे अगर मिला फ़ोन किया अगर आया तो ठीक। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas. तो गाइज अभी हम आ गए हैं लोकल के, मुंबई लोकल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और यहाँ से गाइज हम पकड़ेंगे घाटकोपर की जो 8:37 की है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसलिए बता भी देता हूँ। तो हमें जाना है विद्याविहार तक, तो इसकी वजह से मैं लूँगा गाइज घाटकोपर की। तो घाटकोपर की बेस्ट रहेगी, ज़्यादा गर्दी भी नहीं रहेगी क्योंकि आज संडे गाइज, वैसे भी आज छुट्टी रहती है। अगर आज संडे ना होता या मंडे या ट्यूसडे या कोई और दिन होता तो देखते हैं आप, इतने टाइम 8:30 पूरा भरा रहता है प्लेटफॉर्म, एकदम से भरा रहता है, कोई खाली रहता ही नहीं। और मैं दिखाऊंगा आपको आगे व्लॉग में अगर ट्रैवल किया मुंबई में तो, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताना पड़ रहा है तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर मिला तो मैं आपको लोकल की जो गर्दी हो वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उमूमन कितने बजे होती है? सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक होती है, उसके बाद दोपहर को थोड़ा बहुत रहती है और उसके बाद 4 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। तो घाट पर क्योंकि 8:37 होने वाले हैं और ट्रेन आने वाली है, तो मैं ट्रेन में बैठता हूँ, उसके बाद विद्याविहार आधे घंटा लगेगा पहुँचने में, फिर उसके बाद गाइस आपसे आगे मुलाकात करते हैं। आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं CST का, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज हमारी जो ट्रेन है 8:41 पे प्लेटफॉर्म पे आई है और कुछ मिला के गाइज 8:37 की है। तो अभी देखते हैं कब छुट्टी है, 3 मिनट लेट हो चुकी है। लोकल अमूमन ज़्यादा लेट तो नहीं होती, 5 से 10 मिनट, और मास्क निकाल दो फिर बात करता हूँ आपसे। अमूमन 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तक बहुत ज़्यादा लेट होती है क्योंकि शाम को ज़्यादातर लेट होती है। और आज संडे है तो इसीलिए लेट चल रही है, नहीं तो फिर नहीं लेट चलती, या तो शाम ही को खाली लेट, शाम को या सुबह को मूवमेंट थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का लेट होता है, कभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ। लोकल ट्रेन का ये खास है, इसीलिए गाइज मुंबई मुंबई ही माना जाता है। अब मुंबई सबसे बेस्ट शहर है फॉर इंडिया का ट्रैवल करने पे, किसी भी अपना सपना पूरा करने पे, कोई भी काम में। तो चलिए गाइज सीधा सफ़र शुरू करते हैं, आधे घंटे का सफ़र है, जैसे ही मुकम्मल होता है मैं आपसे आगे बात करता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ जल्दी से, गाइज ट्रेन की आवाज़ आने लगे तो, अभी ट्रेन आई है लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट तक रुकी थी, उसके बाद निकल दी। तो यही गाइज, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लेट नहीं होता है ट्रेन, बहुत ही मुश्किल से, वैसे कभी कभी तो लेट हो जाता है, जब कुछ दिक्कत हो तभी लेट होता है, नहीं तो नहीं लेट होता। चलो ये देखिए ट्रेन चालू हो गई है,
सफ़र शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद हम आपसे वापस मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, हम मामू को छोड़ के आ गए थे लगभग 10 बजे के आसपास, और नींद बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि इस बहुत सवेरे उठे, 5:30 बजे उठ गए थे। और इसलिए सवेरे उठे थे क्योंकि सामान वामान रखने के चक्कर में गाइस बच गए थे। सोते सोते लगभग 2 या 2:30 बज गए थे, कुछ ज़्यादा नींद नहीं मिली। उसके बाद फिर आके मैं गाइस सो गया, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि वीडियो नहीं बनी। और आज जो गाइस, आज हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज से हमारी लग गई है। मामू तो चले गए हैं गाँव, तो इसकी वजह से रात मुझे रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से हॉस्पिटल के लिए, हम लोग नहीं सॉरी मैं सिर्फ निकलूँगा, लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। फिर रात भर वहाँ रुकेंगे, फिर रात के बाद 10 के बाद सुबह में कोई और आएगा। फिर ऐसे ही ड्यूटी अब चलती रहेगी। मैं आगे आगे अपडेट देते रहूँगा कि तबीयत कैसी। अभी तो ठीक है, कुछ और भी टेस्ट हैं और भी चीज़ें हैं, मैं आगे आगे व्लॉग में बताता रहूँगा। तो अगर आप व्लॉग के साथ बने रहेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड को। तो चलिए गाइस, अभी हम निकलने का वक्त हो रहा है, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, ना चाय नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि अभी सो के उठा हूँ, को नाश्ता भी नहीं किया हूँ। मैं दोपहर को उठा था, कुछ टाइम के लिए खाना खाया, उसके बाद फिर से लेट गया गाइस, बहुत नींद आ रही। पता नहीं क्यों गाइस अचानक से ऐसा होने लगता है कि एकदम थकावट जैसी लगने लगती है पूरी बॉडी में, इसीलिए और ज़्यादा इशू बढ़ जाते हैं। और हवा देखिए अब बहुत ही खूबसूरत चल रही है। चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, सॉरी चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। भी लेकिन वही लग रहा है, अब बटे या ना बटे भाई, वो बीजेपी के अलावा कोई जीतेगा नहीं, चाहे मुझसे कोई लगा ले सर। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी आएगी। तो गाइस फाइनली अभी हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और देखते हैं बस कब तक मिलती। 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ कमानी बस स्टॉप पे क्लिक मॉल के पास, अब देखते हैं कितना वक्त लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइस फाइनली मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, अभी गाइस जा रहा हूँ सोने, नींद आ रही है। 11 बजे गया, खाना वाना खा के घर से निकला और वापस आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग दुआ कीजिएगा, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।